हाँ भैया, कक्षा 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन। ध्यान देना, संबंध होता क्या है? संबंध जो है, जो रिलेशन होता है, ये सदैव क्या होता? उपसमुच्चय बराबर होता है। कार्तीय गुणन का समुच्चय ए और बी हैं, इनके कार्तीय गुणन का यह क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? उपसमुच्चय। आइए देखिए आप लोग, कार्तीय गुण देखा जाए पहले जो ठीक। आओ देखो, समुच्चय ए। बाबू इधर देखो, बाबू भैया राजा बाबू बनारस, इधर देखो। ए लिया 1 2, ठीक। समुच्चय बी ले लो बाबू। क्या ले लो भैया? 3 4 2 3। चलो कितना? चलो 3 4 ले लो। हाँ ले लिया। अब ए और बी का कार्य इसमें जो है क्रम माने रखता है, ऑर्डर। ऑर्डर माने क्रम। अब यहाँ ए क्रॉस बी है ना, देखो इधर ए समुच्चय ए है, क्रॉस समुच्चय बी। बाबू ध्यान देना, 1 3 इसका जो है इससे, फिर इसका इसका इसका, बाबू समझ में कि नहीं बाबू? 1 3 1 4 2 3 2 4। बाबू सुने भैया, ये समझ में है? अब देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है, और अब जो है रिलेशन, अगर आर की बात करोगे आप, ठीक है जी, 1 3 1 4 हाँ 2 3 2 4 है, ठीक। इसमें रिलेशन वगैरह बनाना है तो इनमें अंतर कितने का है? 2 का, ठीक है। और देखा जाए, आर आर रिलेशन आर है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक। क्या है? हाँ, 1 से बड़ा है और छोटा। एक्स सच दैट एक्स, हाँ ए बी, यहाँ ए बी है, दो 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 क्रम है ना, ए बी यहाँ जो है, ए बी यहाँ जो है संबंध दो है ना, ए ए। अब क्या है? ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए एंड और बी बिलोंग्स टू बी। ए कहाँ है समुच्चय ए में से, अब बी कहाँ है समुच्चय बी में से। समझ में आया? जी को जी। ए लिया गया है, ठीक। और इसमें क्या है कि आपको जो है, हाँ ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, हाँ। और क्या है? ए ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, ध्यान देना। अब रिलेशन क्या होगा? 1 3 एक छोटा है बी से, ए बाबू 1 आएगा, 1 4 ए भी छोटा है, सभी पूरा पूरा आएगा, सभी पूरा पूरा आएगा। 2 3 से छोटा है और 2 4 से छोटा है, यानी ये क्या हो गया? आर बराबर क्या हो गया? ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन के बराबर, माने बराबर या छोटा। अब यही देखो, यहाँ क्या है, एक रिलेशन आर बना लो, हाँ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और क्या है? ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब बताओ कोई है क्या? ना, ना। नहीं है ना, ना। यह क्या मिला आपको? फाइव मिला। क्या मिला? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, हाँ एक रिलेशन है आपका ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और क्या है? ए हाँ डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, ए बी बी का भाज्य है, ए
ए डिवाइड बाई बी, यहाँ लिख दें हम ए बी, बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। बी क्या है, ए से विभाज्य है, बी ए से विभाज्य है, यहाँ लिख दें, रुक जरूर लिख देता हूँ, हाँ बी ए से विभाज्य है, ध्यान देना बाबू, ठीक है। अब देखो कौन है, तीन एक से विभाज्य है कि नहीं बाबूजी, चार एक से विभाज्य है कि नहीं, तीन दो से विभाज्य नहीं है बाबू, और चार दो से विभाज्य है, ये आएगा आपका रिलेशन आर। माने कहने का मतलब है जो भी संबंध बनेगा इसका इसी में से बनेगा, ठीक है बाबू। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, भैया समझ में आया कुछ। अब ये जो है ये दो क्या है, अरिक्त समुच्चय है, से यहाँ कार्तीय से लिखोगे परिभाषा जो है इसका क्या लिखा जाता है, से अगर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो क्या होगा, हाँ ए बी क्रम जो है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड और बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यह होता है इसका, बात समझ में आई आपका आपको भैया। आगे देखो अब उदाहरण नंबर एक, मिटाएं नोट करोगे आप लोग बाबू, नोट करोगे मिटाएं, चलो धन्यवाद। भैया देखो उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर एक क्या है आपका, उदाहरण नंबर एक ए है, दिया है कह रहा कि यदि यक्ष धन एक वाई ऋण दो बराबर क्या है तीन एक, तो यक्ष और वाई के मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए यक्ष और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ध्यान देना। अब आप देखो एक क्रम दिया है यक्ष धन एक, यहाँ लिख लो दिया है, क्या लिख लिया यक्ष धन एक वाई ऋण दो बराबर तीन एक, ये दिया है, दिया है भैया, हाँ दिया है, यानी यक्ष धन एक बराबर तीन है आपका, तो यक्ष बराबर क्या होगा तीन ऋण एक, यानी क्या हुआ दो, वाई ऋण दो बराबर कितना एक है, वाई बराबर क्या होगा एक धन दो बराबर कितना हुआ तीन, अतः यक्ष बराबर कितना है बाबू दो और वाई बराबर तीन, ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं बाबू। अब देखो उदाहरण नंबर दो क्या दिया है, उदाहरण नंबर दो ध्यान दो आप लोग, यहाँ दिया है समुच्चय पी, पी बराबर यहाँ लिख लो दिया है, क्या लिख लो दिया है, समुच्चय पी है आपका ए बी सी भैया, और समुच्चय क्यू है आपका आर, ठीक, और निकालना क्या है पी क्रॉस की क्यू, ठीक पी और क्यू का कार्तीय गुण निकालना है, तो देखो इधर बाबू ए ए बी सी यहाँ आर, ठीक है, तो क्या होगा ए का आर से ए आर, ठीक फिर बी आर, फिर क्या होगा सी आर होगा, और कुछ होगा क्या, बात समझ में आया। यहाँ देखो ए और क्या है क्यू, क्यू क्रॉस पी निकालना है, ठीक है क्यू क्या है आर है और क्रॉस क्या है ए बी सी, यहाँ क्या होगा आर ए आर बी, ठीक और क्या होगा आर सी, अब बोला क्या है क्या देखो इधर क्या पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस पी है क्या, देखो है नहीं है ना बाबू, हाँ यहाँ क्या होगा यहाँ यहाँ होगा अतः पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, ठीक नोट करोगे आप लोग जल्दी नोट करो।
बनो कर रहा है।